close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टेक मेनिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पे एक यूट्यूब चैनल है, एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है और आपको उसके लिए कोई वेबसाइट चाहिए, तो आप अपने यूट्यूब चैनल की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, या यूट्यूब चैनल नहीं, ज़रूरी नहीं, कोई भी अपने मन की कैसी भी वेबसाइट बना सकते हैं। ज़्यादातर आप विक्स ऐसी फ्री वेबसाइट मेकर पर जाते हैं, जैसे कि विक्स है और बाकी वेबसाइट बिल्डर्स हैं, उन पे जाते हैं, तो आपको अपने मन की वेबसाइट नहीं बनाने देते। आप कुछ ही वेबसाइट बना सकते हैं विक्स पे, जैसे कि आप, मैंने बनाई थी एक म्यूज़िक की, वो बहुत बेकार सी साइट है, दिखाने की भी नहीं सोच सकता है, इतनी बेकार सी है। और तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी मन की साइट कैसे बना सकते हो। तो इसमें, इसके लिए आपको चाहिए एक ऐप जिसका नाम है जिमडो, ये मेरे फ़ोन में डला है पहले से ही, पहले मैं सर्च करके आपको इसमें दिखा दूँगा। ये देखिए, जिमडो क्रिएटर, तो इसे ओपन करिए। आपको पहले ये लॉगिन करने को देगा, मैंने पहले ही लॉगिन कर चुका हूँ। मैंने इसमें एक साइट्स भी बना ली अपनी, पाँच छः, मतलब दो चार तो ट्राई के लिए एक अच्छी सी बनाई है। तो अभी ये रीलोड कर रहा है, तब तक मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। तो इसमें आपको अपने मन का एक टेम्पलेट चूज़ करने को मिलता है, मतलब वेबसाइट आपकी किस तरीके से दिखेगी, फिर आप इस वेबसाइट में पूरी एडिटिंग कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट से लेके पूरा आप सब कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट से लेके इमेज तक, बैकग्राउंड तक पूरा एडिट हो जाएगा। तो अभी मेरी ये वेबसाइट खुल रही है, और तो मैंने भी अपनी एक वेबसाइट ऐसी करी है एडिट, और मेरी वेबसाइट का नाम अभी आ गया है टेकमेनिया। ये अच्छी खासी एक वेबसाइट मेरी फ्री में बन गई है, तो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है किसी की। इसमें आप अपने वीडियोस भी डाल सकते हैं, बता भी सकते हैं, देखिए। और इसमें ऐसे दो तीन चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, इसमें आप एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, बटन जैसे कि आपकी वेबसाइट पर कोई क्लिक करे, तो मैं एज अ व्यूअर क्लिक करता हूँ, एज अ व्यूअर जाता हूँ गूगल पे अपनी वेबसाइट पे, और इन्हीं बटन्स पे मैंने पांच छह ऐसे बटन बनाए हैं, उन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो माय एप्स ऑन पेपल कैश, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो ऐसे मेरे को ये गूगल पे स्टोर खोलने को दिखाएगा। तो देखिए, ये ऐसे आप अपने मनपसंद कोई भी ऐप्स के बटन्स बना सकते हैं। पेड बटन्स तो शायद ही बन पाए, मेरे को नहीं पता, मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा, लेकिन आप इसमें डाल सकते हैं अपना पेटीएम का, आप अपना नंबर डाल सकते हैं इसमें, जिससे पे करके वो आपको दे दें, आप उन्हें कुछ चीज़ें दे दो। और ऐसे ही मैंने पांच छह बटन्स भी क्रिएट करे हैं, और मैंने अपने वीडियोस भी डाले हैं, आप भी कुछ और वीडियोस डाल सकते हैं इसमें और एडिटिंग कर सकते हैं। अभी मैं अपना खोलता हूँ विंडो, और इसे आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पर टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट विद फोटो, मतलब टेक्स्ट और उसका फोटोज़ भी रहेंगी, फोटो गैलरी भी डाल सकते हैं, मतलब आप इसे अपने मन से एडिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को, और स्पेसिंग भी डाल सकते हैं, और ये बटन और शेयर बटन्स भी कर सकते हैं, और वीडियोस भी। शेयर बटन्स पे आपको जो बटन चाहिए जिससे लोग आपको देखें, मतलब आप पे आ सकें शेयर करने का, जैसे कि आप फेसबुक पे है तो फेसबुक को इनेबल कर दीजिए, बाकी सब पे क्लिक करके ऐसे लाइट हो जाएगा, फेसबुक पे डार्क रहेगा तो फेसबुक इनेबल हो जाएगा। मेरे ये होगी हो चुका है, और इस पर आप अपने वीडियोस भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये रहा वीडियोस का बटन, इस पर आप अपनी वीडियो की लिंक डाल दीजिए, और ये आ जाएगा ऐसे, मेरे वीडियो की एक लिंक थी, तो इसमें आप डाल सकते हैं ऐसे लिंक और क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये भी आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, और इसमें आप का एक और आप ऐसे स्लाइड बार होता है, आप उसे भी एडिट कर सकते हैं,
जैसे कि मैंने इसमें कॉन्टैक्ट भी रखा है, होम भी, होम मेरा ये है, कॉन्टैक्ट में मेरी इंफॉर्मेशन है, और ब्लॉग मैंने ऐसे ही भाई तुक्का कर दिया था टाइम पास के लिए। कॉन्टैक्ट में मेरी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरी ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर, जैसे कि लोगों को यूज़ पड़ा। ब्लॉग भी है इसमें, अभी तक मैंने कुछ पब्लिश नहीं करा है ब्लॉग में, और इन्हें आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये नेविगेशन पे जाके, एडिट पे जाके, ब्लॉग पे जाके आप इस पेज को हाइड भी कर सकते हैं, इस पेज को, जैसे कि अभी ये हाइड हो गया है ब्लॉग, और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये सब कर सकते हैं, मेरे को डिलीट का भी आई बहुत खराब हो रहा है मेरा लगता है। तो इससे आप अपनी पूरी कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, और नई मैंने 5-6 वेबसाइट इसमें बनाई है। एक ये है दिस वेबसाइट इज ब्लॉग, मैंने एक ये अपने स्टूडियो की बनाई थी मजे के लिए, और आप इस पे और वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इसमें, तो कोई भी टेम्पलेट चूज़ करके आप उसे पूरा एडिट करके एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, तो देखते रहे टेकमेनिया। Till I get up.